हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पार्ले जी और पनीर डिजर्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, 1/3 कप दूध, 1 कप बटर, थोड़ा सा अखरोट, कंडेंस्ड मिल्क 1 डिब्बा, आधा कप नींबू का रस और 2 पैकेट पार्ले जी बिस्किट लिया है। अभी हाथों से बिस्किट के छोटे टुकड़े कर लेते हैं और अब इन बिस्किट्स को मिक्सर में पीस लेते हैं। इसे मैंने पीस लिया है, गैस ऑन कर ली है। अभी पैन में बटर डाल देते हैं। बटर मेल्ट हो गया है, अभी हम इसमें पिसे हुए बिस्किट डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी ये तैयार हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं और फ्लेम ऑफ कर देते हैं। बिस्किट को एक बोल में निकाल कर थोड़ा प्रेस कर लिया है। अभी इस पनीर को मैश कर लेते हैं और ब्लेंडर में डाल देते हैं। अभी इसमें आधा कप नींबू का रस, 1/3 कप दूध और 1 डिब्बा कंडेंस्ड मिल्क का डाल देंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये ब्लेंड हो गया है, अब ये सारा मिक्सचर बिस्किट के ऊपर डालकर अच्छे से फैला लेंगे। अभी इसके ऊपर अखरोट डालकर सजा लेंगे और 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, या तब तक रखेंगे जब तक ये सेट ना हो जाए। देखिए, ये तैयार हो चुका है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।